गळचांदूर पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या कौठाळा भोयगाव मुख्य मार्गावर सध्या परिस्थितीत अवैध धंद्याला व गुन्हेगारीला सुगीचे दिवस आलेले आहेत। या परिसरात मद्यधुंद वाहन चालक भरधाव वाहन चालवित असल्याने नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन चालावे लागते। या गंभीर प्रकरणाकडे गळचांदूर पोलीस निरीक्षकांनी जातीने लक्ष देऊन अवैध धंद्यावर अंकुश लावावे अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे। हम लोग खड़े हैं गढ़चांदूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कौठाड़ा और भोयगांव के बीच में। ये मानो एक क्राइम का स्पॉट हो गया है, अवैध धंधों का घर बन गया है। इस रोड पर डीजल के 4 से 5 इलीगल अवैध धंधे चल रहे हैं, साथ में दारू। अगर किसी होटल में अगर आप बैठते हो नाश्ता करने खाना खाने, तो वहाँ पर आपको एक तो डीजल की खुशबू आएगी या तो दारू। इतना चल रहा है जो खुलेआम दिख रहा है, फिर भी यहाँ के पुलिस प्रशासन को शायद नज़र नहीं आ रहा है। अब वो अनजान है या मेहरबान है, ऐसे सवाल उठते हैं। अगर ये थानेदार साहब अगर इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो वरिष्ठ अधिकारी इन पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अवैध धंधे को रोकना चाहिए, क्योंकि ये अवैध धंधों से ही क्राइम पनपता है और फिर क्राइम बढ़ता है। हम पुलिस प्रशासन से, गढ़चांदूर पुलिस स्टेशन से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यहाँ पर 4 से 5 जो डीजल के कारोबार चल रहे हैं, साथ में देशी दारू के कारोबार चल रहे हैं, उसे अंकुश लगाया जाए और बंद किया।